नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों के संगम अपना उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ काविंद्र चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की कैबिनेट और बीजेपी से निष्कासित होने के बाद हरक सिंह रावत कांग्रेस में वापसी को तैयार है, लेकिन इस बार पूर्व सीएम हरीश रावत ने पेच फंसा दिया है। इस बीच हरक सिंह रावत ने यह कहकर गेंद हरीश रावत के पाले में फेंक दी कि वह उनसे 100 बार भी माफी मांग सकते हैं। बीजेपी से निष्कासित होने के बाद हरक सिंह रावत के कांग्रेस में शामिल होने की चर्चा के बीच पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने साफ कर दिया था कि उनको पहले अपनी गलती स्वीकारनी होगी, तब ही वह उनका स्वागत करेंगे। तो बीजेपी से निष्कासित होने के बाद हरक सिंह रावत की तस्वीरें सामने आई थी, जिसको लेकर लगातार चर्चा थी। कयास लगाए जा रहे थे कि वो जल्द ही कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं, लेकिन इस बीच हरीश रावत की नाराजगी एक बार फिर सामने आई। हरीश रावत ने उसे पेच फंसा दिया और उनके आने की संभावनाओं को लगभग खत्म कर दिया। लेकिन अब एक बार फिर हरक सिंह रावत ने गेंद को हरीश रावत के पाले में फेंक दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर उनको 100 बार भी माफ़ी मांगनी पड़ेगी तो वो पीछे नहीं हटेंगे, वो 100 बार भी माफ़ी मांगने के लिए तैयार हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि अब एक बार फिर सियासी अटकलबाजी का दौर जो है एक बार फिर शुरू होता दिखाई दे रहा है उत्तराखंड की सियासत में। आपको बता रहे हैं कि जहां उत्तराखंड बीजेपी से हरक सिंह रावत को निष्कासित किया गया था कैबिनेट से और पार्टी से भी बाहर का रास्ता दिखाया गया था, तो ऐसे में अब कांग्रेस में आने की संभावनाएं जहां एक तरफ दम तोड़ते ही नजर आ रही थी, लेकिन अब एक बार फिर हरक सिंह रावत ने साफ कर दिया है कि वो एक नहीं अगर 100 बार भी माफ़ी मांगनी पड़ेगी तो वो माफ़ी मांगने के लिए तैयार है। तो ये तस्वीर कल की है जब हरक सिंह रावत भावुक हो गए थे, काफ़ी भावुकता के साथ ये तस्वीरें उनकी काफ़ी तेज़ी से वायरल हुई, जिसको लेकर चर्चा लगाई गई कि अब कांग्रेस में वो जा सकते हैं। लेकिन अटकल लगा दी हरीश रावत साहब ने। हरीश रावत ने कहा कि पहले उनको अपनी गलती स्वीकारनी होगी, तभी कांग्रेस में उनका स्वागत होगा। अब इस रास्ते को क्लियर करने का काम किया है हरक सिंह रावत ने। उन्होंने साफ कर दिया है कि एक बार नहीं अगर 100 बार भी माफ़ी मांगनी पड़ेगी तो इसके लिए भी वो तैयार है। हरक सिंह रावत उत्तराखंड की सियासत का एक बड़ा चेहरा, लेकिन अब वो इधर और उधर के बीच फंसते हुए नजर आ रहे हैं। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ देहरादून से सुभाष गौड़ जी जुड़ गए हैं। सुभाष, ये बताइएगा कि बीजेपी से तो पूरी तरह से पत्ता कट गया है, अब कांग्रेस में अटकलबाजी थी कि कांग्रेस में जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं, लेकिन इस अटकलबाजी को भी खत्म करने का काम किया हरीश रावत ने। तो ऐसे में ये कहा जाने लगा कि बीजेपी से तो गए ही गए, कांग्रेस पे भी अब कोई स्वीकार्यता नहीं है, लेकिन अब एक बार फिर हरक सिंह रावत ने साफ कर दिया कि एक बार नहीं 100 बार भी माफी मांगनी पड़ी तो माफी मांगेंगे, तो क्या माफी से काम चलेगा? जी बिल्कुल, कहा जा सकता है कि हरक सिंह रावत को कांग्रेस में जाने से पहले ही ये तो बिल्कुल साफ था कि वो बीजेपी में नहीं रुकेंगे, और यही वजह थी कि वो राजधानी देहरादून से देर शाम 5 बजे निकले थे और ये उम्मीद की जा रही थी कि अगले दिन सुबह लगभग 10 से 11 बजे वो कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे। लेकिन कांग्रेस में शामिल होने से पहले हाईकमान ने जरूर ये बात रखी कि हरीश रावत की सहमति होना भी बहुत जरूरी है, यदि हरीश रावत की सहमति नहीं बनती है तो हरक सिंह रावत को कांग्रेस में शामिल नहीं किया जाएगा। लेकिन हरक सिंह को शामिल करने के लिए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष और तमाम जो बड़े चेहरे हैं कांग्रेस के, वो जरूर तैयार थे, लेकिन अभी भी इंतजार है केवल हरीश रावत की हामी भरने की। यदि हरीश रावत, कहा जा सकता है कि जल्द ही कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे हरक सिंह रावत, लेकिन वो दिन कब होगा, वो समय कब आएगा, इसके लिए इंतजार माना जा सकता है कि बीजेपी सिंह रावत को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया, जैसे उनको जानकारी मिली कि हरक सिंह रावत उनको छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये एक बड़ी वजह थी कि दोनों ही तरफ से कहीं ना कहीं अब हरक सिंह। तो हमारे ब्यूरो चीफ सुभाष गौड़ हमको जानकारी दे रहे थे, उनसे एक बार फिर कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि अब जब इतनी सियासी अटकलबाजी के बीच इतनी किरकिरी हो चुकी है तो अब ऐसे में कांग्रेस ज्वाइन तो करेंगे, माफ़ी भी मांग सकते हैं, लेकिन माफ़ी मांगने से क्या बात चलेगी?
तो ऐसे में एक बार फिर हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ सुभाष गौड़ हमारे साथ हैं। सुभाष, आप जानकारी दे रहे थे लेकिन कनेक्शन की वजह से कुछ समस्या आन पड़ी। सुभाष, ये और जानना चाहूँगा कि जब कोई बड़ा नेता एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाता है तो उसके साथ उसका लगेज भी जाता है, मतलब काफ़ी विधायक भी जाते हैं, नेता भी जाते हैं, बहुत कुछ पूरा तामझाम होता है, एक इवेंट के तौर पर होता है, लेकिन हरक सिंह रावत काफ़ी मजबूर, काफ़ी लाचार से नज़र आए और अब ऐसे में उनकी किरकिरी भी काफ़ी हो गई कि बीजेपी वाले कह रहे हैं कि हमारे यहाँ से तो गए ही गए, कांग्रेस ने भी नहीं लिया, तो आपको नहीं लगता कि काफी लाचार और काफी बेबस नजर आए यहाँ पर हरक सिंह रावत? बिल्कुल कहा जा सकता है कि हरक सिंह रावत उत्तराखंड के एक बड़े नेता हैं, और ना केवल क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस एक बड़ा दल है उत्तराखंड में, तो इन दोनों ही दलों में उम्मीद की जा रही है कि हरक सिंह रावत जाते हैं या फिर रहते हैं, लेकिन क्योंकि भाजपा से तो उनको निष्कासित कर दिया है 6 साल के लिए, लेकिन कांग्रेस ने भी उन्हें अभी तक नहीं लिया है। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि हरक सिंह रावत के लिए रास्ते बंद हो गए विधानसभा पहुंचे। हरक सिंह रावत बड़ा चेहरा है, हरक सिंह रावत किसी भी राजनीतिक दल से, किसी भी पार्टी से या निर्दलीय भी विधानसभा तक पहुंचने में सक्षम है, लेकिन आखिरकार ये वजह क्या है कि हरक सिंह रावत कांग्रेस में शामिल नहीं हो पाए, और दूसरी बात ये है कि आखिरकार किन वजहों से हरक सिंह रावत दिल्ली में रोते हुए नजर आ रहे हैं। मुख्य वजह ये भी है कि हरक सिंह रावत केवल अपना टिकट नहीं मांग रहे हैं, अपना टिकट तो उनको भाजपा में भी मिल रहा था, भाजपा में वो जो चाहते वो हो पा रहा था उनके लिए, लेकिन उनकी जो उम्मीदें थी, जो इच्छाएं थी वो बहुत ज्यादा थी। पहली इच्छा थी कि उनकी जो बहू है अनुकृति गोसाई उसको भी टिकट दिया जाए, और यदि वो भाजपा में पूरा नहीं हुआ तो यही वजह थी कि वो कांग्रेस में शामिल हो रहे थे और कांग्रेस में चाह रहे थे कि अनुकृति गोसाई को लैंसी टाउन विधानसभा सीट से टिकट दिया जाए। इसके साथ वो अपना टिकट दिया जाए और सभा सीट से वो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन साथ ही कई ये कहा जा रहा है 2 से 3 टिकट और भी, यानी कुल मिला के 4 से 5 टिकट की डिमांड हरक सिंह रावत की थी, और ऐसे में हरीश रावत नहीं चाहते कि उनकी पार्टी में फिर से एक बार दरार आए, कार्यकर्ताओं में नाराजगी आए, यही वजह है कि वो उनको शामिल नहीं कर रहे। लेकिन उनका साफ तौर से कहना है कि 2016 में जिस तरीके से उनकी सरकार को उन्होंने बाहर का रास्ता दिखाया, विधानसभा में दल बदल की राजनीति की, तो इसकी वजह से वो चाहते हैं कि वो पार्टी में ना आए, और ऐसे नेता कहीं ना कहीं उनकी पार्टी से तो बिल्कुल दूर रहेंगे उनका है। कहना है, लेकिन ये भी बड़ा सवाल है कि केवल हरक सिंह रावत बल्कि और कई बड़े नेता थे जो 2016 में उनकी पार्टी छोड़कर दूसरे दल में यानी कि भाजपा में गए थे, जिनमें से 2 लोग तो वापस आ चुके हैं, उसमें चाहे ये कहा जा सकता है यशपाल आर्य की वापसी करा ली गई, उनके बेटे की वापसी करा ली गई, और ये कहा कि ये पूर्णतः कांग्रेसी नेता थे, थोड़े बहुत नाराज हुए थे लेकिन ये वापस हमारी पार्टी में। लेकिन हरक सिंह रावत वो नेता है जो जिस भी पार्टी में जाते हैं उस पार्टी के खिलाफ ही एक अलग टीम खड़ी करते हैं, अलग ही नेता है, अलग ही छवि के नेता है। 10 सेकंड में एक और चीज जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप गली नुक्कड़ चौक चौराहों और पहाड़ी मैदानी क्षेत्रों सब जगह सियासत को अच्छे से बखूबी समझते हैं उत्तराखंड में, ये और समझाने की कोशिश किया कि हरक सिंह रावत अगर कांग्रेस में जाते हैं तो कांग्रेस को कितना फायदा होगा और बीजेपी को कितना नुकसान, ये जरा समझाने की कोशिश कीजिएगा। बिल्कुल ये कहा जा सकता है हरक सिंह रावत के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि पहले वो कांग्रेस में जाते हैं तो किन शर्तों पर जाते हैं, कितने टिकटों की शर्त पर जाते हैं, ये बड़ा सवाल है। हालांकि हार जीत की बात की जाए तो ये जरूर कहा जाता है कि हरक सिंह रावत आज तक कोई भी विधानसभा चुनाव नहीं हारे हैं, क्योंकि वो पिछले लास्ट के 10 दिनों में चुनाव लड़ते हैं और जीत कर मैदान पर पहुंच जाते हैं, चाहे वो कोई भी विधानसभा उनको दी जाए, और क्योंकि हरक सिंह रावत कोटद्वार से नहीं लड़ना चाहते तो उम्मीद की जा रही है कि जिस भी विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे वो उनकी मनपसंद सीट होगी और वहां से जीत कर वो आ जाएंगे। लेकिन इस बार सवाल यह है कि अपनी बहू को भी जिताना है, उसको भी टिकट दिलाना है, परिवार के कई अन्य सदस्यों को भी टिकट दिलाना है, कई साथियों को भी टिकट दिलाना है, उनकी जीत कर विधानसभा पहुंचाना है, तो कुल मिलाकर गणित बड़ी है कि आखिरकार मतलब कुल लबलुआब यह है सुभाष जी कि खुद तो जाना ही जाना है और परिवार को भी विधानसभा पहुंचाना है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। तो हरक सिंह रावत खुद तो जाना ही जाना है विधानसभा में, जैसा कि अभी सुभाष गौड़ कह रहे थे, लेकिन अपने परिवार को भी लेकर जाना है। लेकिन इस बीच हरक सिंह रावत क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं, ये सुनिएगा। बात अब आगे बढ़ गई तो अगर उस समय जो हरीश भाई और मेरी बातचीत हुई थी तो बाकी वैसे हरीश भाई ने हमारे सारे काम जो भी विकास के काम मैंने उनसे कहे उन्होंने किए उस समय। देखिए आज वो इसलिए नहीं कि अब मैं आज उनकी पार्टी में सम्मिलित होने के लिए बातचीत हुई है, मैंने आपको ध्यान होगा मैं जितने भी न्यूज चैनलों के कार्यक्रम हुए उन सब मंचों पर मैंने ये कहा कि मेरे उनसे बहुत अच्छे संबंध है, वो प्रदेश के बड़े नेता हैं। अगर केवल कांग्रेस और भाजपा की बात नहीं करूं मैं,
केवल कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं भाजपा यूकेडी किसी भी दल की, वो अपने आप में उनका धारचूला से लेकर जसपुर मंगलोर तक और पांडुकेश्वर से लेकर मंगलोर तक और नहीं जसपुर तक, वो पूरा प्रदेश में एक लोग उनको एक वरिष्ठ नेता है प्रदेश के, और मेरे तो बड़े भाई हैं और हम लोगों में राजनीतिक चाहे कितनी भी मन भिन्नता रही हो लेकिन एक दूसरे के सुख दुख में, सुख में साथ खड़े हुए हैं, उन्हें खड़े हूं लेकिन दुख में हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े हुए हैं, चाहे उन पर कोई दुख आया हो उनके उस दुख में हम साथ रहे, मेरे पास मेरा खुशी का कोई अवसर रहा हो। मैंने कल भी कहा कि मेरे बेटे की शादी में बारात देर से पहुंची, वो 3 घंटा बारात में इंतजार करते रहे जबकि कुछ सोच भी नहीं सकता था कि नहीं तो लोग अनौपचारिकता निभाते हैं। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि राजनीति के कारण व्यक्तिगत संबंधों को और राजनीति को बिल्कुल मैं अलग, जैसे मैं जब कांग्रेस सरकार में था भाजपा के लोग मुझ पे आते थे तो मैं व्यक्तिगत संबंधों को कभी राजनीति के आड़े नहीं आने देता हूं। हरीश जी से बात करेंगे आप एक दो दिनों में? नहीं, बातचीत होगी, बड़े भाई हैं, बातचीत मेरे पहले भी होती थी, ऐसा नहीं कि उनसे कोई बातचीत नहीं होती थी। सर, देहरादून के विधायक हैं मनोज रावत, उन्होंने कहा अब वो देखिए मैं किसी के कोई टिप्पणी, व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार होता है। विधानसभा चुनावों की तारीख जैसे जैसे पास आ रही है वैसे ही राजनेताओं के एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में जाने का सिलसिला भी तेज होता जा रहा है। विधानसभा सितारगंज से सतवंत सिंह बागी ने अपने कई साथियों के साथ आम आदमी पार्टी छोड़कर कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली और किसान कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष जितेंद्र सिंह संधू के नेतृत्व में सतवंत सिंह बागी ने दर्जन भर लोगों को कांग्रेस की सदस्यता दिलाई है। जितेंद्र सिंह संधू ने बताया कि सतवंत सिंह बागी ने आम आदमी पार्टी में 1 साल कार्यकर्ता के रूप में 10 साल तक, आपको बता दें कि 10 सालों तक कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने मेहनत की थी पर जो उनको सम्मान मिलना चाहिए था वो सम्मान उनको नहीं मिल सका। एक कार्यकर्ता बनकर सेवा की, मेहनत की, दिन रात एक करके उस पार्टी के लिए बहुत ज़्यादा लगन से काम किया लेकिन आज उनको सम्मान नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। और कई चीज़ें हैं जो उन्होंने हमसे बताई हैं और उनसे परेशान होकर वो उन्होंने पार्टी छोड़ी। पार्टी छोड़ने के बाद आज वो किसान कांग्रेस में ज्वाइनिंग कर ली उन्होंने और मेरे नेतृत्व में ज्वाइनिंग कराई गई है। आम आदमी पार्टी देखिए ये बीजेपी की टू कॉपी है, बी कॉपी जिसको बोलते हैं, ये बीजेपी की बी कॉपी है और यहाँ ये सोच रहे हैं कि हम पहली बार आकर के उत्तराखंड में अपनी सरकार बना लेंगे, अपने विधायक जितवा लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। वो सिर्फ पंजाब में थोड़ा सा इसका है लेकिन उत्तराखंड में ऐसा कुछ नहीं है। ये तो पूरे उत्तराखंड में एक विधायक भी बना ले तो बहुत बड़ी बात है। इसके अंदर आज जो मुझे सम्मान दिया गया है, सचिव बनाया गया, प्रदेश सचिव, पहले तो मैं धन्यवाद करता हूँ जितेंद्र संधू जी का, गुरुदेव सिंह वेर्क जी, हमारी किस्सा सारी टीम, प्रभजोत सिंह जी और मेरी यहाँ की लोकल सारी टीम सितारगंज की। कांग्रेस के अंदर अच्छाइयाँ ये हैं कि कांग्रेस के ज़माने में किसान भी संतुष्ट खुश था, गरीब मजदूर हर वर्ग खुश था। बीजेपी सरकार के अंदर आज मजदूर पिस रहा है, किसान पिस रहा है। 750 किसानों की शहीदियाँ हुई। कांग्रेस सरकार ने किसानों की सपोर्ट के अंदर रात दिन आंदोलन किए, धरने दिए, इन सभी चीज़ों को देखते हुए हमें संतुष्टि हुई कि हमें कहीं ना कहीं जो सरकार बन रही है इसमें उत्तराखंड कांग्रेस की, तो कांग्रेस को सपोर्ट करनी चाहिए। हरिद्वार के ग्राम रोशनाबाद में आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी प्रशांत राय ने डोर टू डोर जाकर लोगों से जनसंपर्क किया, आम आदमी पार्टी की नीतियों को बताया है। रानीपुर विधानसभा से प्रत्याशी प्रशांत राय ने बताया कि आम आदमी पार्टी ने जो मेरे ऊपर भरोसा जताया है उनका आदर सम्मान करता हूं, आम आदमी पार्टी की सभी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। प्रशांत राय ने जानकारी देते हुए बताया कि जब हम लोगों के घर पर जाते हैं और उन्हें आम आदमी पार्टी की नीतियों के बारे में बताते हैं तो लोग हमसे खुश होकर खुद अपने घर पर आम आदमी का बोर्ड लगाने को कहते हैं। आम आदमी पार्टी में भरोसा मित्र जताया, बहुत ही उनकी भरोसे का हम आदर करते हैं, निष्ठा और ईमानदारी से उस भरोसे को हम कामयाब बनाएंगे। जैसे घर टू डोर जाके हम घर के दरवाजे की घंटी बजाते हैं तो वो लोग आते हैं, जैसे पूछते कहते हैं आप लोग, फिर आप अपनी पार्टियों की ड्यूटियाँ बताते हैं, हमारे साथ चलते हैं बताते हैं।
बताते हैं कि हम यहाँ से प्रत्याशी हैं, और जब हम उन्हें बात बताते हैं पूरी, वो सुनते हैं, सुनने के बाद उनको लगता है कि हाँ या ऐसी चीज़ें हमें मिल सकती हैं, तो वो कहते हैं कि स्टिकर हमारे घर पे लगाइए, तो हम लगाते हैं और वो बदलाव करने के लिए तैयार हैं लोग। लोगों का प्यार इतना है कि हमें अति उत्साह है, हमें उम्मीद से ज़्यादा प्यार है। यहाँ पे एक जगह लोग कहते हैं ना कि आंधी, यहाँ सुनामी आएगी, लोगों का एकदम बदलाव आपको 10 मार्च को नजर आएगा। जिस दिन आप वोट पड़ेगा 14 फरवरी को, आपको दिख जाएगा मशीनें खराब हो जाए, खाली झाड़ू का बटन दबाते दबाते। उत्तरकाशी में पूर्व विधायक विजयलाल सजवाण के सानिध्य में गंगोत्री विधानसभा के कई क्षेत्रों से आए युवाओं ने बड़े स्तर पर कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। सदस्यता ग्रहण करने वालों में मंगल यूथ फाउंडेशन के इंस्ट्रक्टर पूर्व सैनिक जसवंत रावत के नेतृत्व में अर्जुन पवार, हेमंत सुमन, लवराज पवार ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की है। सिडकुल हरिद्वार में सिडकुल स्थित मेट्रो हॉस्पिटल में लापरवाही बरते जाने पर जिला पंचायत पूर्व अध्यक्ष राव अफाक ने निंदा करते हुए नाराजगी जाहिर की है। ग्राम समेल सलेमपुर के एक ग्रामीण को अस्पताल में इलाज के लिए ले जाने के बाद अस्पताल के डॉक्टर नदारद मिलने पर राव अफाक ने अस्पताल पहुंचकर हालात देखते हुए थाना सिडकुल पुलिस को मौके पर बुलवाया। राव अफाक ने अस्पताल में तैनात डॉक्टर पर आरोप लगाते हुए कहा कि डॉक्टर अस्पताल के अंदर ही हैं, लेकिन शराब के नशे में होने के कारण यहाँ पर मरीज को देखने के लिए नहीं आ रहे। आदिल रोशनाबाद सलेमपुर का रहने वाला मेरे गांव का, वो परसों यहाँ आए, इन्होंने कहा कि डॉक्टर यहाँ है नहीं, कल संडे है और हम इसे देख नहीं सकते। वो इसको ले गए वहाँ मैक्सवेल में, वहाँ भर्ती करा। आए डॉक्टर से यहाँ पूछ के गए हॉस्पिटल में कि भाई उसे लिया वहाँ, आपका डॉक्टर आ गया? कहाँ लिया? आज तो सोमवार है, आज इसको अब ये लेकर आए यहाँ छुट्टी करा कर मैक्सवेल से। अब ये कह रहे हैं कि यहाँ ये हम इसको जो है कोई इलाज नहीं है और डॉक्टर साहब यहाँ है नहीं। मैंने कहा भाई डॉक्टर साहब कहाँ गए? आप हमें लिख के दे दो कि यहाँ किसका इलाज नहीं है और डॉक्टर यहाँ है नहीं, डॉक्टर यही है कहीं। और मुझे पता चला है विशेष सूत्रों से वो कहीं ड्रिंक करे जो है डॉक्टर जो है पड़े हैं, और वो ड्रिंक के चक्कर में यहाँ नहीं रहे। हम 2 घंटे से यहाँ बैठे, हमने सिडकुल इंस्पेक्टर साहब को फोन करा, हमारा मरीज वेंटिलेटर पर है। ऋषिकेश में आदर्श आचार संहिता का राजनीतिक पार्टियां जमकर उल्लंघन कर रही हैं। नियम के खिलाफ शहर के कई क्षेत्रों में सरकारी और प्राइवेट संपत्तियों पर राजनीतिक पार्टियां प्रचार प्रसार की सामग्रियां लगा रही हैं, जिसमें प्रशासन आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई करने की बात कर रहा है। अभी MCC को लेकर जैसे ही MCC लागू हुई, उसके बाद 24, 48 और 72 घंटों में जो भी कार्रवाई होती है पब्लिक प्रॉपर्टी से और सरकारी प्रॉपर्टी से, इन सब के प्रचार मटेरियल को, सामग्री को हटाने की, उसमें प्रशासन के द्वारा नियमित कार्रवाई उस समय भी की गई और अभी भी की जा रही है। कोई भी शिकायतें हमारे संज्ञान में आ रही हैं, उसमें भी हम तत्काल एक्शन ले रहे हैं। इनफैक्ट MCC के वायलेशन में यदि कहीं पे भी इस प्रकार की प्रचार सामग्री है जो बार बार बोलने के बावजूद भी नहीं हटाई गई है, उसमें भी मुकदमे दर्ज कराए जा रहे हैं। और इसमें FST जो हमारी फ्लाइंग स्क्वाड टीम है वो भी पूरी तरीके से एक्टिव है और जाकर इससे संबंधित शिकायतों का निस्तारण कर रही हैं। उत्तरकाशी में विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 को सफल और शांतिपूर्ण रूप से बनाने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ जिलाधिकारी मयूर दीक्षित और मुख्य विकास अधिकारी गौरव कुमार ने किया। इस मौके पर जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि 14 फरवरी 2022 को विधानसभा चुनाव में 100% मतदान करने के लिए मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है। हल्द्वानी के RTO रोड क्षेत्र में हुई फायरिंग की घटना का पुलिस ने खुलासा किया है। मामले की जानकारी देते हुए SSP पंकज भट्ट ने बताया कि जमीनी विवाद में फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया था। दोनों पक्षों में जमीन को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था, जिसके बाद ये फायरिंग की घटना हुई। पुलिस ने फायरिंग करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके कब्जे से 3 अवैध असलहे भी बरामद हुए हैं। फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों को जेल भेज दिया है। निश्चित रूप से अगर देखा जाए तो इसमें पुलिस द्वारा बहुत उसके बाद क्विक कार्रवाई की गई थी। इसमें 3 अभियुक्त जो थे वो पुलिस द्वारा बहुत जल्दी गिरफ्तार किए गए। उनके पास से जो हथियार थे वो पूरे बरामद किए गए हैं, और इस पूरे मामले की जांच SP City साहब को इसीलिए दी गई है कि अगर इसमें कोई भी अगर पुलिस की निष्क्रियता दिखाई देती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की।
सितारगंज कोतवाली के अंतर्गत सरखड़ा पीलीभीत बैरियर में चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक व्यक्ति से 7,30,000 रुपए की नकदी बरामद की। चुनाव से पहले पुलिस के हाथ कैश का बड़ा जखीरा लगा है। विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 को ध्यान में रखते हुए आदर्श आचार संहिता को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए उधम सिंह नगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत पुलिस को यह सफलता हाथ लगी। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। मेरे द्वारा सरकरा बैरियर पर पुलिस टीम के साथ चेकिंग की जा रही थी, तो हमारी की तरफ रास्ते की तरफ से एक गाड़ी आती दिखाई दी, जिसकी चेकिंग की गई तो उसमें 7,40,000 रुपये बरामद मिले। बरामद हुए जिनके उनके पास कोई लेखा जोखा नहीं था, उनसे पूछा गया कि रुपये कहाँ से लाए, तो वो उस बारे में कुछ नहीं बता पाए। आचार संहिता आदर्श आचार संहिता लगी हुई है, इसलिए रुपये को सीज किया जा रहा है और चौकीदारीगणों को सूचना दी। इनका नाम राकेश कुमार चौधरी और ये बसंत गार्डन शिक्षा के रहने। सितारगंज में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। बता दें कि सितारगंज में 69 लोग कोरोना संक्रमित मिले। प्रशासन ने कोरोना SOP का पालन न करने वालों के चालान काटे हैं। मास्क न पहनने वालों को सख्त हिदायत दी गई। बढ़ते कोरोना की तीसरी लहर के बीच नियमों की अवहेलना करने पर पुलिस प्रशासन सख्त हो गया है। हमारे के उसमें जो दोबारा संक्रमण फैल रहा है, उसकी रोकथाम के लिए बचाव के लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है और उल्लंघन करने वालों का चालान भी किया जा रहा है। इसमें चालान कर रहे हैं, एक अभियान चलाया जा रहा है हमारे पास टाइम के साथ, उसमें चालान कर रहे हैं हम लोग, लोगों को बता भी रहे हैं, मास्क भी दे रहे हैं। तो लोग काफ़ी मास्क पहन कर आ रहे हैं, ऐसी बात नहीं, फिर भी कुछ लोग इसका उल्लंघन कर रहे हैं, तो हम लोगों का प्रॉपर तरीके से चालान कर रहे हैं। ये तो अब सारे तो अपने इसका काम कर ही रहा है, हम लोग भी खड़े रहे हैं। ऋषिकेश के जयराम चौक से कोयल घाटी के बीच सड़क के दोनों किनारों पर खड़े पेड़ों को शिफ्ट करने के लिए खोदे गए गड्ढों लोगों के लिए अब मुसीबत बन गए हैं। गड्ढों में भरे बारिश के पानी की वजह से पेड़ की जड़ें कमजोर हो गई हैं, जिस कारण पेड़ गिरने की आशंका जताई जा रही है। अगर पेड़ गिरते हैं तो आसपास के भवनों को भी पेड़ों के गिरने से नुकसान पहुंच सकता है। इस डर की वजह से लोगों ने NH के अधिकारियों से जल्द पेड़ शिफ्ट करने की मांग की है। ये खुदाई करके चले गए NH वाले इन पेड़ों की, और अभी तक ये लेके नहीं गए हैं। 10 दिन से ज़्यादा दिन इसको हो गए थे, हमें ये बोल के गए थे कि अगले दिन मशीन आएगी और पेड़ को ले जाएगी, बट 10 दिन होने के बावजूद भी कोई इसको अभी तक काम इसको नहीं हुआ है, इसको लेकर नहीं गए हैं। और अभी जब बारिश हुई तो बारिश में इस गड्ढे में पानी की वजह से एक लड़की गिरते गिरते बची है, जिसको चोट लगते हमने मतलब किसी ने पकड़ लिया तो वो बच गई, नहीं तो इसमें कोई भी नुकसान हो सकता है किसी के भी। तो हम ये चाहते हैं कि फटाफट से इसको पेड़ को यहाँ से ले जाया जाए। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए अब बने रहिएगा न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। शुक्रिया।